बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और हम लोगों की, लेकिन प्रबुद्ध समाज जो पूरे उत्तर प्रदेश का है उसके सामने उनकी असलियत खुल चुकी है, उनका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। आज वो जहां पर भी जाएंगे वहां पर वहां समाज के लोग और सभी लोग प्रबुद्ध समाज के लोग उनसे यही पूछने का काम करेंगे कि अभी तक 4.5 साल में क्या किया ये बता दो, कितना धोखा दिया, किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, किस तरह से महिलाएं असुरक्षित हैं, कैसे किसान रो रहा है मर रहा है, कैसे लोग बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगार क्या सारे कारखाने बंद हो गए हैं, नोटबंदी GST से बंद हो गए हैं। तो ये सारे प्रश्न उनको जवाब देने पड़ेंगे, वो सम्मेलन तो खाली जवाब दे ही होगी और कुछ नहीं। भाजपा की सिक्के की दो पहलू, देखिए सपा और भाजपा, विपक्षी पार्टियां हमेशा से आप पे आरोप लगाती रही हैं कि आप भाजपा की भी पार्टी, देखिए सपा और भाजपा के बारे में आपने सुन लिया सर, तो अब आप आरोप की बात तो अब आप नहीं कर सकते। जिस तरीके से भाजपा परेशान है, सपा का तो सफाया हो गया, सपा तो नजर नहीं कहीं आ रही है, कभी एक दिन साइकिल चलाती है तो एक दिन कहीं कुछ और करने लगते हैं क्योंकि वो परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई कार्यक्रम है नहीं। 5 सितंबर से बीजेपी जो है उनकी असलियत सामने आ चुकी है सभा, और यही हाल इनका भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी और सपा, इनके पास कुछ और बचा नहीं सिवाय दुष्प्रचार करने के, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। 5 तारीख से बीजेपी भी प्रबुद्ध सभा का आयोजन करेगी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी प्रबुद्ध समाज का जब करेगी तो हम उसका जवाब देने काम करेंगे, पहले उनको करने तो दीजिए, अभी तो वो नकल करने की प्लानिंग बना रहे हैं ना। हम तो पूरा उत्तर प्रदेश घूम चुके हैं, उत्तर प्रदेश का पूरा प्रबुद्ध समाज तो इंतजार कर रहा है 2022 का कि कब बीजेपी को उखाड़ के फेंके और इनको यहाँ से बाहर पहुँचाने का काम किए। जिस तरह से आपने खुद देखा, आप तो जिस क्षेत्र में हैं, किलोमीटर नहीं सैकड़ों किलोमीटर वर्षा की वजह से लोग परेशान हैं, बाढ़ है, बच्चे फिर से बीमार हो रहे हैं, कहा गया कि अब तो हमने एम्स बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे भोंग ढकासले से कुछ नहीं होता, लोग फिर से मर रहे हैं, लोग किस तरह से कोरोना में लोग मरे हैं वो भी सबने देखा, किस तरह से नदियों में लाशें बहाई गई, किस तरह से गंगा किनारे लोगों को जलाया गया, वो सबने देखा है, कुछ छिपा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को खाली जवाबदेही करनी है, उनको जवाब देने की सभा करनी चाहिए, जवाब का सम्मेलन करना चाहिए।